कर दिया बात है यार। और शायद जैन धर्म में जब त्याग यही है ना कि सबसे बड़ी चीज कि आपके पास जो है उसका त्याग करना है, ये नहीं कि परिग्रह, मतलब नहीं मतलब आपको परिग्रह नहीं कि आप मिनिमलिस्ट वाली लाइफ आप जियो, आपको ये एक्स्ट्रा चीजें जबरदस्ती का ऐसा पालना, क्या मेंटली स्ट्रांग हुए होंगे यार। जैसे अब मॉडर्न अपन बोलते हैं कि हम नए जनरेशन को कि धर्म, क्योंकि बहुत थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि अब नए लोगों को फॉलो करने मुश्किल होता है, तो बोलते धर्म से अपन को नए लोगों को क्या सीखना चाहिए। धर्म एक्चुअली डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको इतना खतरनाक टाइमिंग्स रहती है, मंदिर जाना, रोज जाना, तो कम से कम एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है उन चीजों में। डिसिप्लिन तो सिखाता है धर्म, तो जो ये करते हैं फॉलो उनमें डिसिप्लिन बहुत रहता है। और क्या मेंटली स्ट्रांग होते होंगे, उनको कोई हिला नहीं सकता, नहीं डरा नहीं सकता। वो तो मतलब जैसे मान लो कभी कहीं है और मिस हो गया, तो जैसे मम्मी बिग बॉस के घर पे भी जब आई थी तो उन्होंने कुछ खाना पानी कुछ भी पानी भी नहीं पिया, उन्होंने खाना भी खाया, बिकॉज़ कि वो पानी मम्मी वो मम्मी पानी भी उसका पीती, मतलब बोरिंग वाटर नहीं पी सकते, टैप मंदिर से आता कुएं का पानी पीते हैं, जो नदियों का पानी या कुएं का पानी ही पी सकते हैं। हाँ, क्योंकि जर्म्स मर जाते हैं तो उस पे, क्योंकि बोरिंग में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जर्म्स मर जाते हैं, तो ये सब बहुत सारे हैं मतलब जैनों में, तो वो सब सब होता है। वो जो वो छोटे छोटे जो बायोमेडिकल या क्या बोलते हैं बायोम्स, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। राइट, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं। राइट, तो वो कुएं का पानी मतलब हर ये बॉम्बे आती है तो एक जैन मंदिर है गोरेगांव में, तो वहीं से पानी आता है, वो वही पानी पीती है, इट्स मोर ऑफ दैट, तो वो सब फॉलो करते हैं। मतलब इसलिए मतलब मेरे मॉम एंड डैड आज तक कभी अब्रॉड भी नहीं है। मैं यही पूछने वाली थी कि बाहर जाते तो क्या करते हैं। दे हैव नेवर ट्रैवलड अब्रॉड ऑल देयर लाइफ, क्योंकि जा ही नहीं सकते। ऑल देयर लाइफ हमने हमारी शादी सोची थी कि हम बाहर करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नियम ये भी है कि उनको रोज मंदिर मतलब देव दर्शन करने हैं, एवरी डे वो मंदिर जाना ही है। बाहर कहीं मंदिर नहीं है? नहीं है, मतलब से यूएस में है और दुबई में अभी एक हुआ है स्थापना। हाँ। तो ऐसे कुछ जगहों में है, लेकिन फिर वो खाने का चक्कर, फिर पानी। बट भाई रोज मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि एकदम ही रोज? रोज मतलब देव दर्शन को करना है, तो बिग बॉस हाउस में आई थी वो, तो रात को एंट्री हुई थी, सुबह फिर उन्होंने बोला था कि मुझे निकलना, तो रात को जो तो आने के पहले उनको 11 बजे से बुला लिया गया था, तो 11 बजे से वो वाले बैठी हुई हैं, उनकी एंट्री 4-5 बजे हुई होगी शाम को। हाँ। तो वैन में बैठी हुई है, तो उस टाइम उन्होंने जो खाना वैनिटी में जो अपना घर से लाई थी वो खाया था, उसका अगले दिन जब वो निकली 11-12 बजे तब उन्होंने फिर सीधे पानी और खाना दोनों पिया, कुछ भी लेके नहीं गए घर में, कुछ नहीं खाया। और इसी जब मैं इंटरव्यू दे रही थी ना, तो उस समय वीक भी ऐसे थे। बिकॉज़ शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उन्होंने कुछ खाया नहीं। अरे भाई साहब, और वो इतने घंटे आदमी, मतलब सोचो अपनी वो मम्मी है यार। She did not eat anything. मम्मी को फ्रूट्स आए थे बस उतना ही उन्होंने खाया, लेकिन पानी वगैरह का बहुत कम हो गया। नारियल पानी आया था बस उनके लिए अलग से, क्योंकि वाटर भी वो वहाँ पे नहीं पी सकते, क्योंकि वहाँ पे अच्छा किचन में नॉन वेज बन रहा था ना उधर, तो बिल्कुल देखा बनते हुए जैसे आया, मम्मी देख लेंगी तो